आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुजा प्यारा स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम मां तवा जी सिंधी टीचर मिस सना सुमरो एक बार बेर तवा जे तवा सा गड हाजिर थी आया माने जनवरी जो नयो हफ्तो उम्मीद आहे त बिन हफ्तन जो कम ता चंगी तरह मुकम्मल करे छडियो हुंदो ए हाणे जो असा जो वर्क आहे वो आहे ग्रामर जो हिस्सो ग्रामर ता अचो ता दिसु आज असा जे लाइ ग्रामर में छा आहे ग्रामर में बेटा असा लाइ अज हुंदो मज़मून मज़मून के केता चवन मज़मून किसे कहते हैं बेटा कुछ बताएंगे आप लोग किसको पता है मज़मून किसे कहते हैं मज़मून लिखने का क्या तरीका होता है या मज़मून बेटा मज़मून हम किसी भी उनवान पे लिख सकते हैं वो अपने अल्फाज में अपने लफ्जों में अपने ख्यालात का एहसास का उस पे तहरीरी इजहार कर सकते हैं दुनिया की बेटा हर चीज जो है ऐसी है जिस पे हम मज़मून लिख सकते हैं मज़मून निगारी कर सकते हैं उसको जो है आप समझ सकते हैं बेटा जैसे उर्दू में हम लोग मज़मून लिखते हैं और सिंधी में भी वैसे ही लिखते हैं अब थोड़े से आप लोग ये चेंज कर देते हैं कि मज़मून लिखने का जो है थोड़ा सा तरीका ये हो जाता है कि आप उर्दू में तो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं पर सिंधी में थोड़ा सा लिखना इसलिए मुश्किल हो जाता है बेटा क्योंकि उसमें नुक्तों का सारा खेल आ जाता है आप नुक्ता सही डालेंगे तो फिर अल्फाज का जो है उस लफ्ज का सही मायने और सही तलफ्फुज़ एक साथ मिलेंगे तो फिर वो जो है आपका मज़मून आगे जाके जुमलों की सूरत में तैयार हो जाएगा तो बेटा आज का जो है हमारा मज़मून है वो कौमी हीरो अब कौमी हीरो तो हम लिख रहे हैं बाकी मज़मून लिखने के लिए बेटा किसी भी चीज की जो है वो कैद नहीं होती आप किसी भी उनवान पे अपने अल्फाज पे कोई भी जो है अपने लफ्जों में मज़मून लिख सकते हैं तो आज हमारा 7th क्लास में जो मज़मून दिया गया है हमारा टॉपिक है कौमी हीरो मज़मून असा जो आहे कौमी हीरो कौमी हीरो कौमी हीरो बेटा असा जो केर आहे आ ता दिसो ता ही कायदे आज़म जी तस्वीर ठहल आहे ए कायदे आज़म जी तस्वीर सा गड ता दिसो ता मज़ारे कायद आहे मज़ारे कायद पे तो माशाल्लाह से सब कोई जाता होगा आप लोग जाते हैं कायदे आज़म की मज़ार पे कौन कौन जाता है हर कोई जाता होगा जैसे चिड़ियाघर हम घूमने जाते हैं वहाँ अपने बाबा कौम की मज़ार पे भी जाते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेटा हर कौम की तारीख में कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिन्होंने अपनी कौम को आज़ादी दिलाने के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दिया होता है बहुत सी जद्दोजहद की होती है और वो ऐसी जद्दोजहद और ऐसा सरकारनामा अंजाम देते हैं कि उसका जो है बेटा नस्ल दर नस्ल चलती हुई आ रही याद रखा जाता है कि हाँ भाई ये शख्स जो है उस शख्स को बेटा कौमी हीरो की हैसियत हासिल होती है ऐसे ही हमारी कौम के हीरो कौन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना बेटा 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए आपके वालिद का नाम जिना पूजा था और वो एक चमड़े के बहुत बड़े कारोबारी जो है व्यापारी थे यानी वो चमड़े का कारोबार किया करते थे ठीक है बेटा फिर कायदे आज़म ने आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आप उर्दू में बना सकते हैं तो ऐसे छोटे छोटे जुमले जैसे कि आप लोग को याद है कि एक बार हमने 5th क्लास में एक छोटी सी पॉइंट की सूरत में जो है कुछ अल्फाज दे दिए थे मैंने और आप लोगों ने उसको नसर निगारी किया था एक एक वर्ड को जो है वो लाइनों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बेटा ऐसे ही अब जब बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आप लोग जो है 7th में जब आ जाते हैं तो फिर 6th में 7th में मज़मून लिखने का तरीका अलग हो जाता है उसको 3 पैराग्राफ में लिखते हैं हम ठीक है 3 पैराग्राफ में लिखने का पहला तरीका आप पहले उसका जो है जिस शख्सियत पे लिख रहे हैं जिसके बारे में भी जिस हस्ती के बारे में लिख रहे हैं आप उसका पहले तारुफ देंगे तारुफ देने के बाद फिर उस इंसान की अहमियत को या उस जगह की अहमियत को उसको बयान करेंगे फिर उसके बाद एक तामिया जो अशार भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं जैसे उर्दू में आप अशार डालते हैं ऐसे सिंधी में वैसे बहुत कम होता है क्योंकि फिर मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नुक्तों और उसकी वजह से कि तलफ़ुज़ आपका
अलग हो जाता है। तो बेटा आप कायदे आजम के बारे में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने किस जद्दोजहद से जो है हमें अंग्रेजों की गुलामी से बचाया और जो है आजादी दिलाई हमें। वो कराची में ही पैदा हुए, 25 दिसंबर को आप लोग देखते हैं, हम लोग मनाते हैं ना 25 दिसंबर को उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं दिसंबर के महीने में। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इब्तदाई तालीम अपनी सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की। उसके बाद आप जब मैट्रिक कर चुके, मैट्रिक करने के बाद बेटा वो इंग्लैंड रवाना हो गए। फिर इंग्लैंड से उन्होंने जो है वकालत की तालीम हासिल की, वकालत का इम्तिहान पास किया। फिर उसके बाद जो है ऐसे बहुत से उन्होंने जो है मुसलमानों के लिए जद्दोजहद की। जैसे कि आप जानते हैं बेटा ख्वाब तो अल्लामा इकबाल ने देखा था, पूरा किसने किया, हमारे कौम के हीरो कौन कहलाए, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका बहुत बड़ा नाम है सारी मेहनत और कोशिशों में। इनको हम बेटा कभी भी अपनी जिंदगी से नहीं भूल सकते, इनकी बदौलत तो आज हम यहाँ खड़े हैं, वरना तो हम मुसलमान हमारी कोई हैसियत नहीं होती, हम अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी कर रहे होते। आज अगर हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं, एक आजाद जिंदगी गुजार रहे, तो इनका बहुत बड़ा बेटा हमारे अंदर जो है किरदार है। ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों ने जाना कि पहले पैराग्राफ में हमने आपको बताया कि उनका क्या तारुफ था, वो कहाँ कराची में पैदा हुए, किस किस तारीख को पैदा हुए, 25 दिसंबर को। फिर दूसरे पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि किस तरह उन्होंने मेहनत लगन और जद्दोजहद से जो है हमें आज़ादी दिलाई। वरना बेटा कोई आज़ादी इस तरह तो नहीं हासिल कर सकता, ये कोई प्लेट या कश्तरी में रख के आपको तो नहीं दे देगा कि ये ने आज़ाद हो जाए। बेटा इसके लिए बहुत मेहनत और लगन जद्दोजहद करनी पड़ती है, और आप लोगों ने भी करनी है। एक मैसेज देना है अपनी कौम को कि हम भी बड़े होके उनकी तरह एक कौम के हीरो बनेंगे, जो आने वाली नस्लें आपको कल का आप कायदे आज़म कहते थे ना कि मुस्तकबिल के मेहमान है मेरे शागिर्द जो है, मेरे आने वाले बच्चे मेरे मुस्तकबिल का मेहमान बनेंगे। तो वो आप लोगों ने कर दिखाना है बेटा। और अब थर्ड पैराग्राफ यही है इख्तिताम का कि आपकी जो है वफात 11 सितंबर 1948 में हुई, और आपका जो है एक बहुत बड़ा मकबरा, आलीशान मकबरा, जैसे मज़ारे कायदे आज़म आप देखते हैं, मज़ारे कायद आप जाते भी हैं, यहाँ कराची में ही है वो भी, और बहुत से लोग वहाँ पर 14 अगस्त हो या उनकी सालगिरह हो, कोई ऐसा दिन है, वो सलामी पेश करने जाते हैं। और हमारा सलाम है उन कायदे आज़म पे, उन ऐसी दूसरी हस्तियों पे जिन्होंने हमारी कौम के लिए बहुत ही मेहनत लगन और जद्दोजहद का मुजाहरा किया और हमें आज अलग वतन हासिल करके दिया, अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी से हमें बेटा बचाया। आपने भी यही करना है, हमें एक कौम को अपना जो है एक पुख्ता यकीन रखना है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए आगे बढ़ना है। पीछे गुजरे हुए वक्त को बेटा नहीं देखना, इन कायदे आजम की तरह हमें आगे बढ़ना है और इतनी कोशिश और लगन करनी है कि आज हम भी इस कौम के हीरो कहलाए, पाकिस्तान के कौम के हीरो कहलाए। आप लोग देखते हैं ना आर्मी में कितने हीरोज हैं, क्रिकेट में कितने हीरो हैं आपको मिलते हैं, और आप लोग अपने माँ बाप के और हम सब टीचर्स के हीरो हैं, आप लोग ने ये कर दिखाना है। ठीक है बेटा, आज का हमारा जो सबक था, ये मौजू था मजमून का, वो था कौमी हीरो। कौमी हीरो हमारे कौन थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कराची में पैदा हुए और वफात भी उनकी कराची में ही हुई, उनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं बेटा। ठीक है, और ये मजमून आपको पीडीएफ के जरिए मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और अपना वक्त पे काम करेंगे और अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए कुछ कर दिखाएंगे कि आने वाली नस्लें, आने वाला वक्त आप लोगों को याद करें कि हाँ। और हम चाहते हैं कि आप इस स्कूल से ऐसा नाम करके निकलें कि पता चले कि हाँ ये मेट्रोपॉलिटन का बच्चा हाँ यहाँ पहुँच गया। ये बहुत ही खुशी और एहसास की बात होती है बेटा, स्कूल के लिए भी, आपकी प्रिंसिपल के लिए, हम सब असातिज़ा के लिए। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखेंगे
और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे. अल्लाह हाफिज़.